अब क्या होगा? वकार तो पहले ही मुझसे दूर हैं। अगर उन्हें इस रिपोर्ट के बारे में पता चल गया तो आफरीन कब से आवाजें दे रही हूं? आप कुछ कह रही हैं अम्मी? हद है। मेरी आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हें? कोई मसला है क्या? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं। क्या बात है बेटा, मुझे परेशान लग रही हो तुम। अम्मी को बता दिया तो ये महानूर से जरूर डिस्कस करेंगी, और महानूर अबरार को बताए बगैर रह नहीं सकती। नहीं नहीं, ये बात किसी को ना ही पता चले तो बेहतर है। हद है, फिर खो गई हो तुम। आफरीन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? क्या क्या पूछ रही हैं अम्मी? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, लेकिन मुझे चेहरे से तो कुछ और ही लग रहा है। कुछ नहीं हुआ अम्मी, कह तो रही हूँ। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पूछ लें अपनी रिपोर्टर से, वो तो आपको सब खबरें देती है ना। तुम रिपोर्ट्स लेने गई थी ना, क्या हुआ है? देखा, ये भी बता दिया ना उसने आपको। तो क्यों ना बताती, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? सब रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, जा रही हूं मैं घर, वकार इंतजार कर रहे होंगे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। अच्छा, वो शाइस्ता की कॉल आई थी ना? कौन शाइस्ता? तुम्हारी होने वाली सास, शादी का पूछ रही थी। मॉम मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी है। क्यों मना कर रहे हो? आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी है ना, तो फिर टाल क्यों रहे हो? और वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। मॉम आप मुझे प्रेशराइज कर रही हैं। बात तो मैंने मान ली है ना आपकी, पर फिलहाल शादी नहीं हो सकती। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि फिलहाल शादी नहीं हो सकती, आप एंगेजमेंट करवा दें। ऐसा ना करें कि एंगेजमेंट के बजाय निकाह रख लें। मुझे मालूम है कि आप मुझे लेके बहुत इनसिक्योर हैं कि कहीं मैं अपना फैसला ना बदल लूं। जाहिर है, तुम इतनी मुश्किल से तो तैयार हुए, और वैसे भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मॉम मैंने आपकी पहली बात मानी है ना, आगे चल के भी आपकी बात मान लूंगा। आप अपनी ये तमाम इनसिक्योरिटीज खत्म कर दें। ट्रस्ट मी मॉम, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी खुशी। खुशी तो आपकी है मॉम, मेरी खुशी तो शायद हमेशा के लिए रूठ गई है मुझसे।